नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में रात के रक्षक डोगा की इस शानदार और लेटेस्ट कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बलिदान तुम्हारा। और ये रक्त कथा सीरीज की तीसरी कॉमिक्स है। अगर इसके पहले के कॉमिक्स को आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारा डोगा कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, यहाँ आभार पत्र दिया गया है, तो आप इसे जरूर से पढ़ लें। कितने अपने थे वे पराए, मुझ अनाथ के भी बन गए थे अनेक रिश्ते। मेरे हाथ ठाकुर बाबा के पवित्र खून से न रंग जाए, इसलिए ठाकुर बाबा ने अपना खून खुद ही बहा दिया। मेरी जान बचाने के लिए ना जाने कितनी बार माँ ने अपनी जान दांव पर लगाई। मुझ पर हमेशा गुर्राने वाले डेविल भैया का गुस्सा केवल दिखावा था। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमारा प्यार और आपसी समझ बढ़ती जा रही थी। वो मुझे अपने तौर तरीके सिखाने लगे थे। 2 दिन की पहचान में ही जो मेरी जिंदगी बन गई थी, उस सोनू को और मुझे हलकान के पंजों से आज़ाद करवाने में उनकी अहम भूमिका थी। रुको डोगा, मुझे तुम्हारी माँ और भाइयों के बारे में और बताओ, मैं भी इन रिश्तों को जीना चाहता हूँ। मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने खून से लिखी थी बलिदानों की बेमिसाल इबारतें। जब भी याद आते हैं वे बलिदान, तो डोगा के सीने में हलचल होने लगती है। पिघलने लगता है पत्थर बन चुका डोगा का दिल। कौन कहता है कि पत्थर नहीं पिघलते? जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। डोगा कभी नहीं भूल सकता बलिदान तुम्हारा। रिश्ते, डोगा से उसके रिश्ते के बारे में पूछ रहा था वो पगला, एक अनाथ से जिसे उसके माता पिता तक ने त्याग दिया था। भला वो क्या बताता गल सड़ चुके समाज के बदबूदार रिश्तों के बारे में? खैर, उसने पूछा था तो मुझे उसको जवाब देना ही था। जीवन में सबसे बुरा तब होता है जब आपको लगता है कि आपके रिश्ते ही स्वार्थ की खातिर आपको अपने रास्ते का कांटा समझने लगे हैं। आपके अपने ही आपको डराने लग जाते हैं, आप अपनों से ही खौफ खाने लग जाते हैं, आपके अपने ही आपसे छल करने लग जाते हैं। जब सभी अपना दामन छुड़ा लेते हैं तो नफरत हो जाती है रिश्तों से, और सभी रिश्ते झूठे दिखने लगते हैं। समाज से आपका विश्वास खत्म हो जाता है। सभी रिश्तों की आड़ में छिपे दरिंदे लगने लगते हैं। आस्तीन में छिपे सांपों से पीछा छुड़ाने के लिए आप अपने आस्तीनों को ही जला देते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उपदेश आपको सुनाई देने लगते हैं। फिर आपको दिखने लग जाती है ये सारी दुनिया ही तो एक दूसरे से लड़ रही है। हर कोई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के लहू का प्यासा है। जीना है तो लड़ना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। सारा शहर आपको अचानक जंगल दिखाई देने लगता है। जो जिंदा है उसे मारते जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। करुणा का भाव आपके मन में है तो आप कायर हो, इंसानियत का भाव आपके मन में है तो आप मूर्ख हो। अब आप धीरे धीरे इसे ही सच मानने लगते हैं। यकीन मानिए कि आप शैतान बनते जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक कोई अजनबी आपके जीवन में आता है और आपको आभास करवाता है कि नहीं, निस्वार्थ प्रेम होता है, इस दुनिया में होता है। आप विश्वास कर सकते हैं। तब आप दोबारा से रिश्तों का एहसास करने लगते हैं। इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि इन रिश्तों के लिए अपना जीवन तक हंसते हंसते बलिदान कर देते हैं। डोगा ने ये रिश्ते जिए हैं और इसीलिए डोगा ने उस मुंबई को गोद लिया है जिसने इस अनाथ को अपनी गोद में उठाकर अपनी छाती से लगाया था। भानु फिर से रिश्तों के जकड़ में फंसता जा रहा था। अब नफरत रूपी उस कांच से उसकी पकड़ ढीली पड़ जानी थी।
जब भी मैं उदास होता, डेविल भैया मेरा दिल बहलाने के लिए ये खेल खेलते थे। छोटे, कुश्ती लड़ेगा मुझसे? हाँ लड़ूंगा। तुम हार गए तो पीठ पर सवारी करानी पड़ेगी। हाँ हाँ पता है, रिश्ते ये होते हैं जो कि आपकी परवाह करते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो कि आपकी चिंता करते हैं। डेविल वो छोटा है। हाँ हाँ पता है माँ, मुझे उससे हारना है। रिश्ते वे होते हैं जिनसे आप अपने मन की हर बात साझा कर सकते हैं, जिनके आगे आप रो सकें और दिल खोलकर हंस सकें। रिश्ते वे होते हैं जब आप ठोकर खाकर गिरते हैं तो वो आप पर हंसते नहीं, आपको उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। अभी पटकता हूँ तुझे, माँ ने नया दांव सिखाया है, अभी निकालता हूँ तुम्हारी हेकड़ी। रिश्ते आपके लिए बलिदान देते हैं। ओह मेरा पैर फिसल गया। बहाना नहीं, पीठ पर सवारी। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। मुझे घोड़ा मत बोल, मुझे याद आते हैं चांदी से वो पल, ना लालच था उसमें और ना इसमें कोई छल था। वो फूलों की डाली मेरी माँ थी काली, वो ममता की छैया वो हम सब की माली। रिश्ते आपको बड़ा बनाने के लिए अपने कद की परवाह नहीं करते। थोड़ा तेज चलो मेरे घोड़े, सही मायनों में रिश्ते ही आपको इंसान बनाते हैं, शैतानों के रिश्ते नहीं गिरोह होते हैं। अब घोड़ा बोला तो गिरा दूंगा। तेरे मांस को कुत्ता फाड़े, ये कुत्ते का बच्चा मेरे शेर पर सवारी कर रहा है। उस दिन हमारा मनोरंजन ज़्यादा देर तक नहीं चला, उस पर शैतान की नज़र लग गई। रुक, कुत्ते के बच्चे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे शेर की सवारी करे? डेविल भैया हल्कान के अलावा किसी को अपनी पीठ पर हाथ भी नहीं रखने देते थे। मेरी उनके पीठ पर सवारी करना उनका खून जलाने के लिए काफ़ी था। तेरी जगह टेबल के पीठ पर नहीं, मेरे कदमों में है। हल्कान बहुत गुस्से में था, आज तेरी खाल खींच के उसमें भूसा भर दूंगा। हंटर का वो वार डेविल भैया ने अपनी पीठ पर झेला। सड़क, डेविल भैया तो भाग जा छोटे, मैं सरदार को रोक लूंगा। तेरे मांस को कुत्ता फाड़े तो हल्कान से इस कुत्ते के बच्चे की रक्षा करेगा, देखता हूँ कब तक इसे बचाएगा। सुरक्षा की अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए थे डेविल भैया मेरे आगे। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझ पर, तेरी खाल खींच लूंगा। सड़क 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 सड़क। डेविल भैया ने हल्कान का एक भी बार मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, ना ही उसके मुंह से एक आह निकली। मुंह से निकली आह दुश्मनों को और दर्द देने के लिए प्रेरित करती है, अगर उस दर्द को आप पी जाएं तो दुश्मन खींच उठता है, खींचा हुआ दुश्मन कभी जीत नहीं सकता। मारते मारते हल्कान जैसा शैतान भी थक चुका था, पर मेरे हिस्से की मार खाते हुए डेविल भैया नहीं थके थे। कू कू, देख थका दिया ना सरदार को, देख रहा हूँ भैया कितनी चोट लगी है तुम्हें। मेरा डर दूर करने के लिए वो अपना दर्द भूलने का नाटक कर रहे थे। उफ कितना खून बह रहा है तुम्हारे जख्मों से, देख मेरा खून भी तुम इंसानों की तरह लाल है। उस दिन मैंने बड़े भाई के गुस्से के पीछे छुपे उसके अव्यक्त प्रेम को बहुत करीब से देखा था। मैं ठीक हूँ छोटे, मुझे कुछ नहीं हुआ। अपना गुस्सा उतार के हल्कान चला गया। उस दिन बारूद भर गया था मेरे जिस्म में, दहकने लगी थी मेरी आंखें, गुलामी का एहसास उस खून के साथ बह गया था कहीं। मोहब्बत वफा की वे पहचान थे, चार पैसे पे चलते वे ईमान थे, जो लिखे ना गए किताबों में कभी वे खामोश लफ्जों से बलिदान थे। हमेशा की तरह मैं माँ से डेविल भैया की शिकायत लगाने पहुँचा। माँ माँ वह क्या हुआ छोटे? रुक छोटे, माँ से कुछ मत बोलना। माँ मुझे बचाने के लिए भैया ने सरदार से मार खाई, ये झूठ बोल रहा है माँ। क्या सच? ये मैं क्या देख सकती हूँ?
सच क्या है मैं देख सकती हूँ, सरदार से सावधान रहना, वो किसी को माफ़ नहीं करता। अब फिर भैया पे हाथ उठाया तो मार डालूँगा सरदार को। उसके नमक का कर्ज उतार चुका है, अब वो छोटे पर गुर्राया तो उसकी गर्दन मेरे जबड़े में होगी। हल्कान के गढ़ में विद्रोह का सिंहनाद हो चुका था। उधर हल्कान नेतागिरी के पैंतरे अजमा रहा था, यानी करेला नीम चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। क्यों रे लोहा, कैसा लग रहा है ये लिबास हम पर? एकदम पक्के नेता लग रहे हो सरदार। अब शहर इसी पोशाक में जाया करेंगे लोहा, शहरी बगियों को यही पोशाक होती है। यानी सिर्फ पोशाक बदलेगी, काम वही रहेगा। हल्कान राजनीति के दलदल में उतर रहा था, अब उसे हिंसा का तांडव करना था। मुझे काली से मौत देने वाली और मशीनें चाहिए, काफ़ी समय से वो हरी नहीं हुई। सरदार अब वो बूढ़ी हो चली है, अब वो और जनने लायक नहीं रही, यानी बेकार हो गई है। अब क्या करें इसका? सरदार जहर वाला इंजेक्शन लगवा देते हैं, उसकी खुराक आधी कर दे लोहा, अब वो कितने दिन जिएगी? ठीक है सरदार, उस दिन मैंने जाना कि इस इंसानी दुनिया में जिंदा रहने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, आपकी खुराक भी उसी पर निर्भर करती है। आप सिर्फ एक वस्तु हैं जो कि एक्सपायरी डेट के साथ आती है, महत्व खत्म और आपका स्थान कचरा पेटी बन जाता है। मैं उसे बचा नहीं पाया। आगे क्या हुआ डोगा, तुमने सोनू को कैसे बचाया? हाँ, मैं कैसे बचा ये बता सकता हूँ, कुछ फरिश्तों की वजह से। जो रिश्ते निभाएं उन्हें ही फरिश्ते की संज्ञा दी गई होगी। सरदार पिंजड़ा खाली है, चिड़िया उड़ गई, कुत्ते का पीला भगा ले गया शायद उसे। पकड़ो उन्हें, ख़त्म कर दो उस लड़की को और हाथ पर तोड़ डालो उस कुत्ते के बच्चे को। काली पागल हो गई है क्या? चल हट हमारे रास्ते से। इनको रोके रखो और ध्यान रहे, आवाज़ मत करना, हमारी आवाज़ सुनकर कहीं सूरज वापस ना आ जाए। जान भी चली जाए लेकिन आवाज़ नहीं निकलेगी। तेरे मांस का कुत्ता फाड़े, तुम्हारी ये मजाल। काली और इसके सभी पिल्लों को मौत के घाट उतार दो, धाएं। शेर का शिकार करोगे कुत्तों, अब तो अपने पिल्लों के साथ मरेगी काली। काली को मौत की परवाह बिल्कुल नहीं थी। घर, तुम दोनों जाओ यहाँ से, जैसा समझाया है वैसा करो, पहले तुम मरना चाहती है तो यही सही, फिर तेरे पिल्ले को मारूंगा, धाएं। गोली तो लगी है, ये चिल्लाई क्यों नहीं? काली क्यों नहीं चिल्लाई? ये भेद शैतान कैसे जान सकता था? कहाँ मर गए सबके सब, ये हरामखोर हमें असले तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। अपनी बंदूक उठाओ और बिछा दो इन कुत्तों की लाशें, धाएं धाएं। काली समेत दो मरे हैं, बाकी के कहाँ गए? बाकी भी कोई कारस्तानी कर रहे होंगे। ढूंढो उन्हें, याद रखो हल्कान के अड्डे से लाशें निकलती है, कोई जिंदा वापस नहीं जाता। हल्कान का सपना चूर चूर करने का पक्का इंतजाम कर रहे थे वे वफादार। हल्कान के घोड़े पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई थी कि सभी बिदक गए थे। भौं भौं हिन, भौं वौं वौं। हमारे घोड़े भगा दिए कमीनों ने, घोड़े को जाने दो, अभी ज़्यादा दूर नहीं जा पाया होगा वो कुत्ते का बच्चा, पैदल ही पकड़ो उन्हें। सबसे पहले उस कुत्ते के बच्चे को मारना लोहा सिंह। कुत्ते के बच्चे में काली की जान बसती थी, मौत की दीवार भी नहीं रोक पाई उस माँ को, मौत के नींद से जाग चुकी थी काली। अड्डे से गोलियों की आवाज़ें आ रही है, यानी उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। भागो, जितना तेज भाग सकती हो भागो। सूरज मुझसे भागा नहीं जा रहा, बस थोड़ी दूर और सोनू। काली बिजली की गति से झपटी हल्कान पर। आह, ये काली है या उसका भूत?
ये कहाँ चली? लगता है उस कुत्ते के बच्चे की रक्षा करने गई है। वहीं मारूंगा इन सबको। जंग का मैदान बन चुका था बीहड़ का वो इलाका। बेबिल को ठंडा नहीं किया तो ये सबको फाड़ डालेगा। भीष्म नरसंहार हुआ उस रात। इतनी चीरफाड़ के लिए प्रसिद्ध थी काली की संतानें। आह, बचाओ बचाओ, बेबिल को निशाने पर दो, वो मारा गया तो सब काबू में आ जाएंगे। वो तेजी से हमला कर रहा है। पलक झपकते ही एक को मार करके दूसरे पर पहुंच जाता है। कहीं हमारी गोली से हमारे आत्मे ही ना मारे जाएं। मैं ही करता हूं उसका अंतिम संस्कार। भौं भौं, ओह, इसकी तो बेबिल की रणनीति काम कर रही थी। हल्कान अपने रौद्र रूप में वहां पहुंचा। इतना नरसंहार, किसने मारा इन्हें? किसी विजेता की तरह सामने आया डेविल। घर्र, ऐसी हैवानियत तेरे सिवा और कौन कर सकता है? तो इनाम का हकदार है। तेरा इनाम है सजाए मौत। रेट 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 रेट। मौत की दहलीज पर पहुंचकर भी सुरक्षा की अभेद्य दीवार बनकर शैतान का रास्ता रोके बेखौफ खड़ा था डेविल। तभी काली भी दृढ़ता से चली हुई अपने बच्चों के आगे आकर खड़ी हो गई। आ गई तू भी, अच्छा हुआ। माँ और पिल्ले एक साथ जहन्नुम जाएंगे। भून डालो इन सब हरामजादों को। घुर, फाड़ डालो सबको, कोई छोटे तक ना पहुँच पाए। दोनों तरफ से मौत का फरमान जारी हो चुका था। उधर से गोलियां चली, इधर से घातक जबड़े। रेट रेट रेट। कुछ देर तक गोलियों के धमाके और चीखें गूंजती रही, फिर सब शांत हो गया। लोहा, ये मर गया या जिंदा है? अगर जिंदा हुआ तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कितना खौफ था डेविल का, उसके मृत शरीर को भी पार नहीं कर पा रहे थे शैतान। उधर उफनती नदी से डर रही थी सोनू। मुझे डर लग रहा है सूरज। डर मत सोनू, बस नीचे की तरफ मत देखना, थोड़ा आगे जाते ही हम सड़क तक पहुंच जाएंगे। ये तो मर गया सरदार थर्ड, अब उस कुत्ते के बच्चे की बारी है। अपनी जान देकर बड़े भाई का रिश्ता निभा गया था डेविल। अब मौत सूरज और सोनू की ओर बढ़ रही थी। सारा लोहा उस कुत्ते के बच्चे के शरीर में उतार दूंगा। हाँ सरदार, ये सब उसी का किया धरा है। जल्दी उन्हें अपने शिकार नजर आ गए। वे रहे, दोनों को भून डालो। तड़ातर गोलियां बरसा दी शैतानों ने। तड़ 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 तड़। डर और घबराहट में दोनों की भी पकड़ ढीली हो गई। आह, सूरज, सोनू, सोनू, आह आह, गुलूप छपाक। सूरज, सूरज, सोनू, सोनू, गुलूप। अभागी सोनू की चीखें उसके कानों में पिघले शीशे सी पड़ रही थी। दूर होने लगी सोनू की आवाजें। सोनू, आवाज़ दे सोनू, तो चुप क्यों हो गई है? आवाज़ दे सोनू, आवाज़ दे। पागल सा हो उठा वो, ना जाने कब तक भयानक शोर मचाती उस खूनी नदी के सीने में तलाश करता रहा सोनू को। अब किसी भी पल खूनी नदी उसे भी ले जाने वाली थी। इन हरामखोरों को मेरी गोली से नहीं, खूनी नदी में डूब के मरना था। इनका खेल तो खत्म हुआ, पर नुकसान बहुत कर गया कुत्ते का बच्चा। खेल अभी जारी था। घुर, मेरी पीठ पे आ जा छोटे। छपाक। माँ, सोनू हमसे दूर चली गई। माँ ने मुझे मेरे मंजिल तक पहुँचा दिया। सूरज, तुम यहाँ से शहर चले जाना। माँ, तुम ठीक तो हो ना? कूँ, मैं ठीक हूँ, बस मुझे नींद आ रही है। मैं सो जाऊँ तो मुझे जगाना मत, और यहाँ लौट के कभी मत आना। जब जरूरत हो मुझे पुकार देना, मैं चली आऊँगी। ठीक है माँ। माँ जो कहती थी मैं मानता था, पर मैं उसके पास नहीं आऊँगा ये नहीं मानने वाला था। जा रहा हूँ माँ, अपना ख्याल रखना। कूँ कूँ, मैं भी जा रही हूँ सूरज। किसकी दुआओं के ये सिलसिले थे? मुझे अपनी कश्ती के मांझी मिले थे। ना इंसानी फितरत, ना इंसान थे वो, वफा और मोहब्बत की पहचान थे वो। सूरज और उसकी माँ काली अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े थे।
उस दिन विदा के समय मुझसे जो माँ ने कहा था मेरी समझ में नहीं आया था। जब समझ में आया तो मैं बहुत रोया था। तुम्हारी माँ ने कहा था जब भी तुम पुकारोगे वो चली आएगी। भानु का मासूमियत भरा सवाल डोगा को आंदोलित कर गया। जो एक बार चले जाते हैं वो सिर्फ यादों में ही आते हैं। मैं उन्हें पुकार कर उनकी आत्मा को नहीं तड़पाना चाहता। सच कहा था तुम्हारी माँ ने। मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए थे वे सभी जिनकी वफादारी मेरे खून में बहती है और खूंखारता मुझे विरासत में मिली है। जुर्म देखते ही फाड़ खाने को मचलने लगते हैं मेरे जबड़े। मेरी जिंदगी उनका एहसान है, उनका चेहरा मेरी पहचान है। डोगा कभी नहीं भूल पाएगा बलिदान तुम्हारा। क्रमशः आगामी हलकान हो। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ हम लेटेस्ट एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। पूर्णवासी की वो सबसे लंबी रात, जब शापित अरण्य का आरण्यक जीवित होता है और सुनाता है रक्त से लिखी गई प्रेम की एक अनसुनी दास्तान, जो स्याह रात्रि के मस्तक पर रक्तिम तिलक करके आरंभ करती है आरण्यक पर्व। राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता में नाग ग्रंथ का तृतीय अध्याय ला रहा है प्रेम और पागलपन की वो रक्तिम गथा जो नरक नाशक नागराज के जीवन में निर्णायक मोड़ लाएगी। विश्व आतंकवाद के खात्मे का सफर आरंभ करते ही विश्व रक्षक नागराज जा टकराया मानव जाति के सबसे बड़े दुश्मन इच्छाधारी सर्प सम्राट तौसी से। इच्छाधारी नागमणि प्राप्त करने के लिए रचे गए षड्यंत्र में नाग एवं सर्प शक्तियों की भीषण टकराव की वो भूली हुई हैरतअंगेज दास्तान, जिसे मानवता की भलाई के लिए इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, आज फिर दुनिया के सामने खोली जा रही है। दो महाप्रलयंकारी इच्छाधारी शक्तियों का भीषण संग्राम, जिसमें कोई एक ही कहलाएगा प्रलय का देवता। राज कॉमिक्स में नाग सम्राट नागराज और सर्प सम्राट इच्छाधारी तौसी का प्रलयकारी कॉमिक्स। राजनगर को जरूरत है पुनर्जन्म की, लेकिन पुनर्जन्म से पहले राजनगर को मरना होगा और राजनगर मरेगा सुपर कमांडो ध्रुव के साथ। राजनगर बनेगा अपने ही रखवालों की चिता और बनेगा इस भयानक घटना का ग्राउंड जीरो। राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता में सुपर कमांडो ध्रुव का एक एक्शन पैड कॉमिक्स। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। डोगा की बुनियाद को जिनके रक्त ने सींचा, डोगा की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए जो, जिनकी वफादारी उसके रक्त में बहती है और जिनकी खूंखारता उसे विरासत में मिली है। रक्त उनका भी सुर्ख था, रक्त डोगा का भी सुर्ख है, इसलिए जुर्म देखते ही फाड़ खाने को मचलने लगते हैं डोगा के जबड़े। उसकी ज़िंदगी उनका एहसान है, उनका चेहरा ही आज उसकी पहचान है। डोगा कभी नहीं भूल पाएगा बलिदान तुम्हारा।